राम राम, जय भारत न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। तो इस टाइम मैं गांव बब्बू में, पंचायत कुठियाड़ा और तहसील असर में खड़ा हूं, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है। तो आज मैं यहां पे पहुंच चुका हूं और इन लोगों की हमें कॉल आई। इनका कहना था कि ये काफ़ी टाइम से जो इनका एक रोड का मसला है, कई सालों से इनका कहना है कि हम अभी भी 1947 में जी रहे हैं, क्योंकि इनकी रोड जो इनका रोड है इसका बहुत ही ज़्यादा इनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये रोड है इस टाइम बहुत ही खतरनाक, बड़े बड़े इसमें खड्डे हैं और कई सालों से इसको ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। तो इन लोगों के साथ मैं बात करने के लिए पहुंचा हूं और देखते हैं अभी इन लोगों के साथ मैं बात करूंगा, इन लोगों का क्या कहना है। तो मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है ये जम्मू नेशनल हाईवे से एक बीच में जट्ठी पड़ता है, जट्ठी से होते हुए ये पंचायत कुठियाड़ा और गांव बब्बू और कई और सारे गांव वहां पर उनको टच करती है। तो आज नमस्कार, जय भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हम मौजूद हैं तहसील असर पंचायत कुठियाड़ा के बब्बू नामक गांव में। यहां के लोगों को कच्ची रोड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है। इस इलाके के लोगों का कहना है कि सरकार ने रोड के नाम पर इनकी ज़मीनों को प्लेन तो कर दिया है, लेकिन अब शायद ये सरकार इस रोड को ब्लैक टॉप करना भूल चुकी है और जिस वजह से इन्हें आने जाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और गाड़ियों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया है और ऐसा लगता है जैसे ये लोग अभी भी 1947 के ज़माने में रह रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को वह हायर अथॉरिटीज़ के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन ना लेने की वजह से इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। तो इसीलिए इन नागरिकों की तरफ से मेरी ये रूरल डेवलपमेंट ऑफिशियल्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वह इस इलाके का, इस रोड का निरीक्षण करें और जल्द से जल्द इसको पक्का रोड बनाने में वह कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें। धन्यवाद। रवि जी बताइए, आपका क्या रोड का क्या मसला है? पहले सबसे पहले हमारा स्वागत है जय भारत न्यूज़ का। जी जी। जो आप इतने दूर से यहाँ पे विजिट किया है बब्बू में, तो हमारी यही डिमांड है कि जब से ये रोड बनी है तो इस रोड में, यानी यहाँ का हमारा लोकल सुपरवाइजर था उस वक्त, इसकी निगरानी अच्छी होती थी, तो जब से इसकी रिटायरमेंट ही हो गई तो इस रोड को कोई देख रहा ही नहीं है और यहाँ रोड में बिल्कुल खड्डे खड्डे पड़े हैं। तो कुछ ऐसा भी सुनने में आया है कि हमारी रोड PMGSY के तहत हुई है, लेकिन PWD वाले इस रोड की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं और खड्डे बन चुके हैं। आप भी आए होंगे नीचे से, कितनी मुश्किलात का सामना किया होगा आपने जी। तो इसलिए हमारी DC साहब से और LG साहब से यही गुजारिश है कि इस रोड का जो है PWD वाले अच्छा काम करें, ताकि ये खड्डे खुड्डे जो भी हैं ये सब कंप्लीट होने चाहिए और ताकि जो भी गाड़ी आती है तो किसी वक्त भी वो खड्डे में, यानी खड्डे में किसी वक्त भी वो उसका कोई ना कोई हिस्सा टूट सकता है, तो हादसे का भी शिकार हो सकती है। लेकिन हमारी यही गुजारिश है, अगर PMGSY के हवाले अगर की है, इस रोड को किया है, तो इस रोड का जल्द से जल्द काम भी होना चाहिए। अगर अभी नहीं हुआ है तो PWD वालों को इस रोड में देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जब मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है, लेकिन हमारा ये इलाका असर और ये पंचायत कुठियाड़ा, तो इसमें कोई डिजिटल इंडिया अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वो तो सामने ही है, ग्राउंड पे ही नजर है। मैं आपको उस रोड का भी व्यू दिखाऊंगा अपने दर्शकों को जी। अब्दुल रजाक जी, आप भी ये रोड के बारे में दो लाइनें बताएं, ये आपको क्या मुश्किल आ रही है? ऐसे जब आपको कोई दिक्कत बनती है, कोई आपके गांव से किसी को प्रॉब्लम बनती है इमरजेंसी में, तो उसको गाड़ी यहां से मिलती नहीं है, अगर मिलती भी है तो रोड की वजह से टाइम लेट हो जाता है, तो आप चाहते हैं कि इस रोड को ब्लैक टॉप मिले आपको? हाँ, आप ये डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? हमारी भी डिमांड जी। जी, आपका नाम? सर जोगिंदर सिंह जी। सर, सबसे तो पहले आप जय भारत न्यूज का अभिनंदन अवगत करते हैं कि आप यहाँ इतने दूर दराज एरिया में आए हैं पहली बार। यहाँ तक तो इससे पहले तो कोई नहीं आया यहाँ पे। सर, यही रवि जी ने बोला कि अभी इतनी हमारी तो यही मांग रहती है कि देखो, जब
कुछ घटना घटती है फिर कहते हैं नहीं जी यहाँ पे ये हो गया। घटना घटने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान में रखनी चाहिए बात कि इन चीजों को मेंटेनेंस करना चाहिए। हमने बहुत बार मतलब हमारी डिवीजन जो है ये बटोत के साथ बढ़ती है, पहले पीडब्ल्यूडी रोड जो इनका ये डिवीजन हमारी बटोत में है। सर हमने पहले भी फोन किया था कि इन्हें बहुत सारे खड्डे हो गए हैं, इस रोड की मेंटेनेंस करो, तो उन्होंने सर कोई ध्यान ही नहीं करता है। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड की थोड़ी मरम्मत की जाए और इसकी मेंटेनेंस हो, ये ब्लैक टॉप हो, तो सर यही हमारा कहना है और इन्होंने कहा भी है, तो सर यही आपका शुक्रिया करते हैं जी। एक बात और हम रवि जी से पूछेंगे जी। तो जी रवि जी अपनी बात रखिए आप। देखो जी जैसे यहाँ पे डीडीसी इलेक्शन या बीडीसी इलेक्शन या एमएलए इलेक्शन, खाली इलेक्शन के टाइम पे ये लोग यहाँ पे आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये लोग बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। और जब इनका टाइम खत्म हो जाता है तो फिर ये पहुंचते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर ये जीते हैं, हम इनको वोट देते हैं, लेकिन ये हमारा भी ख्याल रखें, पब्लिक का भी ख्याल रखें, तो ये खाली अपने ही वहां घर में बैठे होते हैं, वोट के लिए आते हैं, वोट के बाद ये नजर ही नहीं आते यहाँ पे, बाद में कामों का तो बाद में हमारे कोई कामों का ध्यान नहीं, कोई मसला हल नहीं होता है। तो ऐसे जैसे नेताओं से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा पब्लिक का भी ख्याल रखें, अगर आप सत्ता में बैठे हो तो हमारा भी ख्याल रखें।